देखिए, आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए और माता रानी पर भरोसा होना चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है और आप माता रानी पर भरोसा रखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा, आप किसी भी तरह से घबराएंगे। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो में हम आपको घर बैठे माता रानी के नए दर्शन कराने के साथ साथ माता रानी की यात्रा जुड़ी कुछ जानकारियां साझा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं, माता रानी के पवित्र पावन भवन का दर्शन है। आप देख सकते हैं गेट नंबर 3 के पास किस प्रकार से भक्तों की काफी रौनक हमें देखने को मिल रही है। आपको पता है कि माता रानी के नवरात्रि अब समाप्त हो चुके हैं और जैसे जैसे नवरात्रि समाप्त होते हैं वैसे वैसे डेकोरेशन को भी समाप्त किया जाता है। घर बैठे आप देख रहे हैं माता रानी के भवन पर डेकोरेशन पूरी तरीके से अब खत्म हो रहा है और डेकोरेशन को किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है। हमने स्टार्टिंग से ही आपको सारी वीडियो दिखाई थी, जानकारी साझा की थी, इवन नवरात्रों में भी हमने आपको घर बैठे माता रानी के भव्य भवन का दर्शन कराया था। आशा करूंगा कि वो सारी जानकारियाँ सारी वीडियोज आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप सब घर बैठे हाथ जोड़कर माता रानी के इस पवित्र पावन भवन से दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सब फीडबैक के जरिए हमें ये बताइएगा जरूर कि आप सबको माता रानी के नवरात्रि डेकोरेशन किस तरीके से लगे, ट्रेन राइडर का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, आपको किस तरीके से अच्छा फील हुआ। आप सबके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ आप घर बैठे ये पवित्र पावन दर्शन माता रानी के दरबार से कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 5 के पास जहाँ पर एक भव्य गेट का निर्माण किया गया था। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे डेकोरेशन को हटाया जा रहा है। आपको पता ही है कि डेकोरेशन करना कितना टफ होता है लेकिन डेकोरेशन को हटाना थोड़ा आसान होता है। अब आप सब घर बैठे मनोकामना भवन के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। अगर आप माता रानी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन कराकर जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन कराने में किसी प्रकार से असमर्थ हैं तो आप वहाँ पर जाकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यात्रा पर्ची की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की रखी, तो आप अगर इस टाइम जाते हैं तो आप यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें दर्शन की तो घर बैठे आप देख रहे हैं दर्शन के लिए कितनी लंबी कतार भक्तों की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कितनी लंबी लाइन जो है वो भक्तों की यहाँ पर लगी हुई है। बात करें अगर लाइन की तो आप देख सकते हैं भैरव घाटी जाने वाले रास्ते तक ये लाइन लगी हुई है। इस प्रकार से अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो दर्शन करने का जो ट्राई है वो दोपहर में करें या फिर रात को एकदम 10 बजे के बाद दर्शन करने का कोशिश करें तो आपको दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आप घर बैठे हाथ जोड़कर माता रानी के इस पवित्र पावन भवन के दर्शन कर रहे हैं, वो भी भैरव घाटी के रूट से। अगर बात करें रोपवे की तो श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से सारी सुविधाएँ श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को दी जा रही हैं, चाहे वो रोपवे की बात कर ली जाए, हेलीकॉप्टर की बात कर ली जाए, घोड़ा पिट्टू पाल की बात कर ली जाए, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से बैटरी कार की सुविधाएं हो या कोई भी सुविधाएं हो, ये सारी सुविधाएं भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही है। भक्तों को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोविड की गाइडलाइन बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो वेल एंड गुड, अगर आपने वैक्सीन की सिंगल डोज ली है या फिर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तब आपको अपना कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर जाने की आवश्यकता है या फिर आप वहां पर जाकर रैपिड टेस्ट भी करा सकते हैं जिसकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, माता रानी की यात्रा सभी भक्तों के लिए सुचारू रूप से चल रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। कल माता रानी के दरबार में मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था, बारिश हुई थी, लेकिन आज माता रानी के आशीर्वाद से मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बात कर ले अगर ठंड की तो देखिए दिन के समय माता रानी के दरबार में यात्रा ट्रैक पर कहीं भी कोई ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप रात के समय जाते हैं तो आपको हल्का हल्का ठंड माता रानी के दरबार में महसूस होगा। इसलिए अपने साथ आप गर्म कपड़ा या कोई भी नॉर्मल जैकेट रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको घर बैठे दर्शन कराने के साथ साथ माता रानी की यात्रा जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की है। आशा करूंगा कि इस वीडियो से आप सबको माता रानी के दर्शन करने में बहुत मदद मिले, आपकी यात्रा माँ भगवती की अनुकम कृपा से सफल हो, माता रानी आप सबको प्यारे प्यारे दर्शन दे और
भी ऐसे कोई भक्त है जो माता रानी के दरबार जाना चाहते तो माँ भगवती उन्हें अपने दरबार जरूर बुलाए। फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।